नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन्स आपको मिलता रहे। आज मैं आप लोगों को कोरल ड्रॉ के अंदर यह बताऊँगा कि मान लीजिए ये देख सकते हैं, ये आपको मेन्यू बार दिखाई दे रहा होगा, ये अगर मेन्यू बार गायब हो जाए, हाइड हो जाए, अगर आप कोरल ड्रॉ जब ओपन करते हैं तो गलती से कभी कभी ऐसा होता है कि मेनू बार चला गया, या आपका यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड टूल बार है, अगर ये भी गायब हो जाए गलती से कहीं, ये हाइड हो जाए, उसके बाद ये प्रॉपर्टी बार है ये भी अगर गलती से कहीं से हाइड हो जाए, गायब हो जाए, और प्लस ये आपका टूल बॉक्स अगर ये भी कभी गायब हो जाए, हाइड हो जाए, तो उसे वापस कैसे लाएंगे। तो फिलहाल आप कोरल ड्रॉ में ये आपको दिख रहा है, अभी टूल बॉक्स तो दिख रहा है, प्लस आपका मेनू बार सबसे इंपॉर्टेंट है, मेनू बार, अगर मेनू बार ही गायब हो जाए, हाइड हो जाए, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे हाइड करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीके आपको दिखाऊंगा। एक तो आप मेनू बार में जैसे देखेंगे, यहाँ पे अलग अलग, देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखाई दे रहा है, विंडो मेनू में क्लिक कीजिए, करने के बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे आइए, यहाँ देखिए टूल बार्स है, टूल बार्स में देखेंगे स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी, टूल बॉक्स, स्टेटस बार, ये सब अभी देखिए अभी ऑन है। यहाँ पे स्टैंडर्ड अभी देखिए, ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें आपको टिक मार्क दिखाई दे रहा है, ये अभी ऑन है, जैसे ही इसको ऑफ कर दूंगा तो ये देखिए ये वाला टूल, ये जो टूल बार है स्टैंडर्ड टूल बार चला जाएगा। तो यहाँ टूल बार्स में गया स्टैंडर्ड, ये देखिए मैं चला गया स्टैंडर्ड टूल बार, फिर विंडो में गया टूल बार्स में जाइए, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी बार, देखिए प्रॉपर्टी बार गायब हो गया, फिर विंडो में जाइए, फिर टूल बार्स में जाइए, उसके बाद यहाँ पर देखिए टूल बॉक्स, जैसे टूल बॉक्स पर क्लिक कर दूंगा ये टूल बॉक्स यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ विंडो में जाइए, टूल बार्स में जाइए, और ये देखिए टूल बॉक्स पर क्लिक किया, ये देखिए मैं टूल बॉक्स यहाँ से गायब हो गया, सारा का सारा टूल चला गया। अब सवाल उठता है, ये देखिए मेनू बार है, अगर मेनू बार ही मान लीजिए गायब हो जाएगा तो हम लोग टूल बॉक्स वगैरह वो सब कैसे लाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेनू बार, ये जो आपको टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार है, अगर इसे मैं गायब करता हूँ तो कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसके ठीक विंडो हेल्प, इसके ठीक बगल में खाली जगह पर, मेनू बार के खाली जगह पे माउस पॉइंटर रखिए और राइट क्लिक कीजिए, तो एक लिस्ट उभर कर आ जाएगा कस्टमाइज़ का। यहाँ देखिए मेनू बार, स्टेटस बार, अभी देखिए दो ऑन है, अगर मैं स्टेटस बार पे क्लिक कर दूंगा तो नीचे ये जो जगह है यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला, ये गायब हो जाएगा। देखिए नीचे वाला स्टार्ट मेनू के ठीक नीचे ठीक ऊपर ये वाला स्टेटस बार है, तो इसे भी मैं गायब कर देता हूँ, देखिए गायब हो गया, देखिए स्टेटस बार मेरा चला गया। फिर मैं यहाँ पर ये आपका मेनू बार के ठीक बगल में खाली जगह पर राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद ये देखिए मेनू बार अभी ऑन है, इसे भी ऑफ कर देता हूँ। देखिए अपना मेनू बार यहाँ पे देखिए, मेनू बार चला गया, टूल बार चला गया, जितने सारे टूल बार से सब यहाँ पे चले गए, टूल बॉक्स भी चला गया, स्टैंडर्ड टूल बार भी चला गया, प्रॉपर्टी सारा का सारा चला गया। अब मान लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, देखिए रीस्टोर का बटन आता है, ऑप्शन आता है, ये स्केल पर राइट क्लिक करता हूँ तो ग्रिड सेटअप, रूलर, गाइडलाइन सेटअप आ रहा है, लेकिन आपका मेनू बार का कहीं कस्टमाइज़ का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे, पेज के किसी भी जगह पर माउस पॉइंटर रखिए और राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा माउस का राइट क्लिक, तो देखिए फुल स्क्रीन प्रीव्यू व्यू इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, व्यू के सब मेनू में जाइए, तो यहाँ पर देखिए मेनू बार आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टेटस बार है, प्रॉपर्टी बार है, रूलर, ये सब है, लेकिन मेनू बार कहीं नहीं दिखाई दे रहा, टूल बॉक्स भी है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आपको क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टी बार, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए प्रॉपर्टी बार ठीक मेनू बार के ठीक नीचे प्रॉपर्टी बार यहाँ पर आ गया। अब ये प्रॉपर्टी बार के ठीक बगल में खाली जगह में आपको राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कस्टमाइज़ का सेम ऑप्शन आ जाएगा, मेनू बार पे क्लिक कर दीजिए, देखिए मेनू बार आ गया, यहाँ पे देखिए मेनू बार आ गया। अब जब मेनू बार आ जाएगा तो यहाँ पे विंडो में जाइए, टूल बॉक्स टूल बार्स में जाइए, उसके बाद स्टैंडर्ड टूल बार आ गया, ये देखिए। फिर यहाँ पर आप ये जो मेनू बार के बगल में भी राइट क्लिक करके बाकी यहाँ स्टेटस बार ला सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से टूल बॉक्स भी होगा, देखिए यहाँ पर, ये देखिए टूल बॉक्स, प्रॉपर्टी बार के ठीक नीचे टूल बॉक्स, इससे भी यहाँ से भी ला सकते हैं। और अगर मेनू बार रहेगा तो यहाँ विंडो में जाइए, टूल बार्स में जाइए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, ये सब आप ला सकते हैं। तो इस तरह हम लोग मेनू बार, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड टूल बार, प्रॉपर्टी बार, टूल बॉक्स, ये सब हाइड कर सकते हैं, फिर अगर उसे अनहाइड कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, फिर वापस ला सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग मेनू बार को हाइड करेंगे, कैसे अनहाइड करेंगे, गायब हो जाएगा तो कैसे लाएंगे टूल बार्स को। अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ काइंडली लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं अच्छा लगा तो कम से कम डिसलाइक कीजिए। धन्यवाद।